अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सबीर कैम हनी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुवैत के बारे में कि कुवैत के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल का क्या स्कोप रहता है, और वहाँ का जो क्लाइमेट है या फिर वहाँ की जो करेंसी है या वहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल की जो सैलरी है, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कुवैत से रिलेटेड। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी दबाएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन है ना, वो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों, किसी भाई ने पूछा है कि क्या आप DHA या खाद, MOH या कोई भी एग्जाम है, क्या उसकी आप प्रोसेस करवाते हो, या इसके अलावा क्या आप DHA की प्रोसेस करवाते हो? तो ब्रदर, जो मैं उस भाई को कहना चाहूँगा और सबको कहना चाहूँगा कि मैं डाटा प्रो की प्रोसेस करता हूँ, और इसके अलावा DHA एग्जाम जितनी भी है गल्फ कंट्री की, सबकी प्रोसेस करता हूँ। और इसके अलावा आपको जैसे मटेरियल की नीड है, उनसे रिलेटेड आप मेरे से क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, उनको भी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ जिला जितना मेरे से हो सकता है उतना। और इसके अलावा किसी एक भाई ने पूछा है अक्सर क्या कि जो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट है, यानी जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, या जो डिप्लोमा है, अगर जो बायो के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो क्या कि जिनके पास 2 साल अभी एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं? और इसके अलावा अगर बात करें डिप्लोमा वाले जो फार्मासिस्ट है, उनके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कुछ डिप्लोमा नर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनका सेम सेम सिमिलर क्वेश्चन है जिनके पास ना 2 साल का एक्सपीरियंस अभी कंप्लीट हुआ है, या कुछ जो डिप्लोमा उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो ये मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या हम जॉब कैसे करें, क्या हमें जॉब करना पॉसिबल है। तो दोस्तों, सभी मेडिकल प्रोफेशनल का अभी एक ही तरीका है कि आपको सबसे पहले 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट करना होगा, और वो भी आपकी जो डिग्री है, जो आप जब आप पास आउट हुए हो उससे ही आपकी जो डिग्री स्टूडेंट है वहाँ से वो काउंट होगा, ठीक है? तो एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद में आपको सिलेक्ट करना होगा कि मैं कौन सी कंट्री के लिए एग्जाम लिखूँ। तो जो डिप्लोमा वाले बंदे हैं, स्पेशली फार्मासिस्ट हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नंबर 1 पे UAE को रखिएगा, क्योंकि फार्मासिस्ट टेक्नीशियन की जॉब सबसे ज़्यादा वहाँ पे है और चांसेस भी वहाँ पे हैं, अदर कंट्री डिप्लोमा को एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसके अलावा आप कुवैत के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, कुवैत के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इनका, और स्पेशली मैं आज कुवैत पे वीडियो बनाने में जा रहा हूँ, तो इसको पूरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट है जिनके पास 2 साल अगर एक्सपीरियंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वेट करिए, अपनी कंट्री के अंदर वेट करिए, वहाँ पे जैसे इंडिया है या पाकिस्तान, अपनी कंट्री के अंदर आप जॉब करिएगा। और इंडिया के अंदर नॉर्मली फार्मासिस्ट को 20,000 रुपये, 25,000 रुपये आराम से मिल भी सकते हैं, तो आप उस टाइम का वेट करिएगा कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद में आप डाटा प्रो की प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी भी कंट्री के लिए एग्जाम दे सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मटेरियल की बात करें, तो आपको मैं बता देता हूँ कि मटेरियल मेरे पास है इंशाल्लाह, स्पेशली फार्मासिस्ट है या नर्स है, क्योंकि एक ब्रदर एनेस्थेसिया है, वो उसमें टेक्नीशियन है, उन्होंने मेरे को मटेरियल के लिए बोला है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मटेरियल प्रोवाइड करवा दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे लिए। तो अगर नॉर्मल जैसे लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, या फिर डेंटल है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इनका भी इजीली मटेरियल प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन एनेस्थीसिया का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इनशाला मैं कोशिश करता हूँ कि उस भाई का भी मैं मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुवैत के बारे में। तो दोस्तों, कुवैत के बारे में अगर अपन बात करें, तो कुवैत एक स्मॉल कंट्री है, और ये भी एक गल्फ कंट्री का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और बहुत ही मतलब खूबसूरत कंट्री है, और बहुत ही पावरफुल कंट्री है पैसों के मामले के अंदर, क्योंकि उनकी जो करेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और करेंसी इतनी हाई है कि अपन ऐसा समझो कि टॉप 5 के अंदर इस कंट्री को ले सकते हैं, और फ्रीडम टाइप की कंट्री है। और फार्मासिस्ट है, या फिर नर्स है, या लैब टेक्नीशियन है, या MBBS है, जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है कि वो कुवैत के लिए अप्लाई करें। बस इसके लिए ये है कि आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपको जॉब सर्च करने में थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट कंट्री है, और लोग उधर जाना इतना मतलब लोगों का फोकस नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ये हो सकता है, मगर डेफिनेटली इनशाला आपको जॉब भी मिल जाएगा, और सैलरी भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और बहुत ही मतलब जैसे हर प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवा देते हैं। और कुवैत की बात करें, तो कुवैत की जो अगर करेंसी की बात करें, तो एक कुवैत की जो दिनार होती है, जिसको केडी बोलते हैं,
वो इंडियन रुपीस की अगर कंपेयर करें तो 260 रुपये बनते हैं, ठीक है। और अगर इसी को अगर पाकिस्तान की करेंसी के अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक आप गूगल भी कर सकते हैं कि एक जो केडी है उसका पाकिस्तानी रुपीस कितना बनता है, तो करेंसी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हाई है। और इसके अलावा शिफ्ट कंट्री है और क्लाइमेट अच्छा रहता है। और पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 4 मिलियन या 5 मिलियन के बीच में इसकी पॉपुलेशन है। और इसके अंदर एशियन कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, सभी जो कंट्री के जो लोग हैं, जो अपने जो एशियन लोग हैं वो वहाँ पे जॉब करते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी वहाँ पे जॉब करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जॉब करते हैं। और कहीं आप ऐसा फीलिंग में नहीं करोगे कि मैं एक डिफरेंट कंट्री में हूँ, आपको इजीली अपनी कंट्री के लोग वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। तो दोस्तों कुवैत के लिए आपको वही प्रोसेस है इसके लिए कि आपको आपके पास एग्जाम आपको लिखनी है, और एग्जाम लिखने से पहले आपको डाटा प्रो की प्रोसेस करनी है। और डाटा प्रो की प्रोसेस के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की नीड रहती है वो सेम सिमिलर ही है। कुछ मैं स्क्रीन पे कुछ मैंने डिफरेंट भी दिखा रखा है, उसको भी आप देखिएगा। और मैं कुछ मेरे तरफ से बोलने की भी कोशिश करता हूँ कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा वो आपके पास होना जरूरी है, और उसकी मार्कशीट जो 4 ईयर या 5 ईयर है वो आपके पास होनी जरूरी है, और इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस है ना वो आपके पास होना जरूरी है। और इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम आपके पास 3 ईयर होना जरूरी है। और डेफिनेटली कभी कभी 2 ईयर को भी एक्सेप्टेबल कर लेते हैं, बाकी मेरे अकॉर्डिंग है कि वो 3 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसके अलावा आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हो जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करवाएगी वो भी बेटर है आप साथ में। और इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोज और जो मेन जो डॉक्यूमेंटों में आता है इम्पोर्टेंट में आता है कि आपके पास जैसे नर्सिंग काउंसलिंग या फार्मा काउंसलिंग का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होंगे, और रेडी करने के बाद में क्या होगा कि आप डाटा प्रो की प्रोसेस आराम से इजीली कर सकते हो, सेल्फ भी कर सकते हो, या फिर मेरी भी सपोर्ट ले सकते हो, मैं भी आपके लिए तैयार हूँ। डाटा प्रो की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको जॉब सर्च करना होगा, और सर्च करने के लिए आपको ये कि वहाँ पे ट्राई करिए कि ऑनलाइन आप सर्च करने की कोशिश करिए, या कोई बंदा वहाँ पे जॉब वगैरह करता है आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आपकी कंट्री के अंदर इनकी वैकेंसीज वगैरह भी जाती है, उसके थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हो, या फिर वीजा वगैरह निकाल के वैसे भी जा सकते हो। पर स्पेशली जो है ना वो इसके अंदर मैं नोटिस किया है कुवैत के अंदर कि वहाँ पे कोई आपका बंदा रहता है वो अगर हेल्प करे तो सबसे अच्छी हेल्प होती है, ठीक है। वैकेंसीज वगैरह इतनी आती नहीं है, आते तो ऑनलाइन वगैरह आते तो ऑनलाइन के अंदर इतना वो नहीं रहता है कि लोगों का फोकस नहीं जाता, रुझान नहीं जाता उस साइड। तो बेटर है कि वहाँ पे आप जो बंदे हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, और कोई बंदा नहीं है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए तैयार हूँ, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जॉब के अंदर कि आपको जिस कंट्री के लिए, आप कोई भी कंट्री हो, अगर आपने यूएई के लिए लिखा, कुवैत के लिए लिखा, बहरीन के लिए लिखा, कोई भी कंट्री के लिए आपने एग्जाम लिख लिया है, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा इस मामले के अंदर, स्पेशली यूएई के लिए, सऊदी के लिए और कतर के लिए, इन 3-4 कंट्रियों के अंदर में स्पेशली फोकस रहता है। कुवैत के लिए भी है इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। ओमान के लिए भी ट्राई करेंगे, कुछ एजेंसीज वगैरह वहाँ की लोकल है जो मेरे मतलब जिनसे मैं टच में हूँ, तो वैकेंसीज वगैरह ओमान के मेरे पास आती रहती है। बहरीन का इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इन सभी कंट्रियों के लिए मैं आपकी हेल्प करूँगा, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वैकेंसीज से रिलेटेड हो, चाहे इसके अलावा डाटा प्रूफ से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है ना, या और कोई मटेरियल से रिलेटेड हो, ऑल ओवर मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों कुवैत के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो अगर सैलरी की बात करें कुवैत की, मैंने आपको बता दिया कि डाटा प्रूफ कंप्लीट करना है, एग्जाम कंप्लीट करना है, फिर अप्लाई करना है, फिर वहाँ पे पहुँच जाना है। और वहाँ पे पहुँच जाने के बाद में आपको इजीली जॉब मिल जाती है, आप ऑनलाइन वगैरह ट्राई कर सकते हो। और इसके अगर सैलरी की बात करें तो फार्मासिस्ट की जो सैलरी है वो 350 KD से लेके 500 KD के बीच में रहता है। वो आप पे डिपेंड है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड है, जिस जिससे आपका एक्सपीरियंस होगा वो बढ़ाते जाएंगे। फ्रेशर को आपको 400 KD पर रख सकते हैं, 350 KD पर रख सकते हैं, वो आपके मतलब कंडीशन पे डिपेंड है। और इसके अलावा अगर नर्स की बात करें तो नर्स की वहाँ जो मतलब अगर
सैलरी की बात करें तो वहाँ की जो सैलरी है नर्स की, तो नर्स की जो सैलरी है वो 400 KD से स्टार्ट होगी, 600 KD तक जाती है और वो डिपेंडेंट रहता है। और जो बैचलर है उसकी थोड़ी सी अच्छी रहती है, जो टेक्नीशियन है उसकी थोड़ी सी लो रहती है। सेम से फार्मासिस्ट में, फार्मासिस्ट स्पेशलिस्ट है उसकी सैलरी 400 से 600 500 KD के बीच में रहती है, लेकिन अगर असिस्टेंट है या टेक्नीशियन है तो उसकी 300 से 400 के बीच में रह सकती है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें एसेंट की, जो सैलरी है वो 300 से 450 के बीच में, वो मतलब ये है कि एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा आपका जो सैलरी है उस पर डिपेंड करेगा। और MBBS के लिए अच्छा स्कोप है, और MBBS की कोई सैलरी इसके अंदर नहीं दी हुई है, वो क्या है कि उनका उनका एक्सपीरियंस उन पर डिपेंड रहेगा कि वो कैसे एग्रीमेंट करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि ये बड़ी पोस्ट हो जाती है। इनमें बंदे को मतलब खुद छूट दी जाती है कि बंदा को मतलब कितनी सैलरी है, उसको एक आइडिया दी जाता है कि इतनी से इतने बीच में आपको सैलरी मिलेगी, तो उस हिसाब से आपको मतलब वो सैलरी मिल जाएगी। और दोस्तों एग्ज़ाम की बात करें तो आप अपनी कंट्री के अंदर एग्ज़ाम लिख सकते हो, और एग्ज़ाम के अलावा आप डाटा अपलोड अपनी कंट्री के अंदर कर सकते हो। और इसके अंदर अगर अपन बात करें कि सिलेबस के बारे में, तो आप सिलेबस के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फार्मासिस्ट का मुझे आइडिया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि KDS कुवैत के अंदर जो सिलेबस है स्पेशली वो कौन सा रहता है। तो सिलेबस की अपन बात करें तो इसके अंदर स्पेशली फार्माकोलॉजी पूछी जाती है, फार्माकोलॉजी के अलावा कैलकुलेशन पूछी जाती है सेमी, और इसके अलावा जो वहाँ पे जो एग्ज़ाम लिखी जाती है कुवैत प्रोमेट्रिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ MOH जो एग्ज़ाम लिखी जाती है उनके रूल रेगुलेशन वो पूछ सकते हैं, मेडिकल के रूल रेगुलेशन वो पूछ सकते हैं, स्पेशली पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कैलकुलेशन के अलावा इसके अंदर केस स्टडी है वो आ जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर अपन बात करें फार्मास्यूटिकल्स सूटिक्स के अंदर भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो एक मैं पूरा एक मतलब पूरा चार्ट है ना वो मैं लगा दूंगा इसके अंदर कि कौन से सिलेबस के अंदर यानी कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितनी परसेंट पूछी जाती है, ये पूरा मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा इंशाल्लाह, और वीडियो के एंड में लगा दूंगा। उसके अंदर आप देख लीजिएगा कि फार्मासिस्ट अगर कुवैत के एग्ज़ाम लिखे तो किस तरह स्टडी करे कि कौन सा कितना परसेंटेज आता है, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। और इसके अलावा भी कंपटीशन है, लेकिन कुवैत के अंदर इतना कंपटीशन नहीं है, वैकेंसीज वगैरह अपने पास कम आती है, लेकिन जो आती है तो इजीली सिलेक्शन हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि इधर भी इतने कंपटीटर नहीं है। तो उस हिसाब से ये कि आप है ना अगर UAE के लिए अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी अगर UAE को दे रहे हो या UAE को अगर आप नहीं दे रहे हो दूसरी अगर आपका सोच रहे हो, तो फिर आप है ना कुवैत के लिए ट्राई करें, ठीक है ना। कुवैत के लिए इसलिए ट्राई करें कि सऊदी के अंदर अभी क्या है कि इन फ्यूचर सऊदीराइजेशन हो रहा है कुवैत के अंदर, इसके अलावा UAE की बात करें तो कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। और बहरीन के अंदर कतर के अंदर अगर बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल कंट्री है, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज वगैरह नहीं निकलती है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, इनके लिए भी ओमान के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो इनमें कुवैत भी एक पार्ट है जिसके अंदर आप जा सकते हो, उधर भी आप एग्ज़ाम लिख सकते हो।